मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी अब बरेली जैसा एक मामला सामने आया है। यहाँ बीजेपी के नेता और मध्य प्रदेश की भोपाल मध्य विधानसभा सीट के पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह की बेटी भारती सिंह ने वीडियो जारी कर अपने पिता और मौसेरे भाई सुशील पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। भारती ने परिजनों से खुद को बचाने के लिए मदद की गुहार भी लगाई है। मैं भारती सिंह, डॉटर ऑफ सुरेंद्र नाथ सिंह, मैं अपने घर से अपनी मर्जी से आई हूँ, और ऐसा पहली बार नहीं है कि मैं अपने घर से आई हूँ। 10-20 बार ऐसा हो चुका है। 10 साल से मेरे घर वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, इसलिए मैं बार बार अपने घर से आ जाती हूँ। प्लीज़ मुझे चैन से जीने दो, मुझे परेशान मत करो, मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। ये कहना है अपने परिवार वालों से प्रताड़ित भारती सिंह का, जिन्हें अपने ही पिता और भाई से जान का खतरा है। भारती को इसलिए टॉर्चर किया जा रहा है क्योंकि वो अपने पिता की मर्जी से शादी नहीं करना चाहती। पढ़ने लिखने में होशियार भारती अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीना चाहती हैं, लेकिन उनके पिता जबरन उसकी शादी किसी बड़े नेता के बेटे से कराने पर तुले हैं। यही नहीं, शादी के लिए ना करने पर भारती को कई दफा मारा पीटा गया तो कई मानसिक यातनाएं भी दी गई। रोज रोज दिए जा रहे टॉर्चर और घुटन ने भारती को घर से भागने पर मजबूर कर दिया। मैं भारती सिंह, डॉटर ऑफ सुरेंद्र नाथ सिंह, मैं अपने घर से अपनी मर्जी से आई हूँ, और ऐसा पहली बार नहीं है कि मैं अपने घर से आई हूँ। 10-20 बार ऐसा हो चुका है। 10 साल से मेरे घर वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, इसलिए मैं बार बार अपने घर से आ जाती हूँ। मेरा मौसी का बेटा है सुशील, वो मुझे बहुत परेशान करता है, उसने मुझे मारा भी है, बहुत ज़्यादा परेशान किया है, इसलिए मैं घर से आई हूँ। और 10 साल से बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है मुझे, इसलिए मैं अपने घर से आई हूँ अपनी मर्जी से, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। 28 वर्षीय भारती ने सोशल साइट पर वीडियो जारी कर परिजनों से अपनी जान का खतरा बताया है। भारती वीडियो में अपने ऊपर हुए अत्याचार के बारे में बात करते हुए दिख रही हैं। उसने दावा किया कि मेरा परिवार मेरी मर्जी के खिलाफ एक विधायक के बेटे से शादी कराना चाहता है। भारती ने आरोप लगाया कि उसके परिवार वाले उसे पिछले 10 साल से परेशान कर रहे हैं, यहाँ तक कि उसे मारा पीटा भी जाता है। परिजनों की प्रताड़ना से तंग आकर भारती घर छोड़कर महाराष्ट्र के पुणे में रहने चली गई, जहां रहकर वो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर रही है। मैं किसी भी क्रिश्चियन, मुस्लिम या कोई लोअर कास्ट के लड़के के साथ, किसी के साथ भी नहीं, मैं अपनी मर्जी से अपने घर से आई हूँ, तो उसको कोई जाति का मुद्दा ना बनाया जाए। प्लीज, मतलब मुझे चैन से जीने दिया जाए, मैं अपने घर से अपनी मर्जी से आई हूँ। प्लीज मुझे परेशान ना किया जाए, मैं जहाँ भी हूँ बहुत अच्छे से रह रही हूँ, अपने घर वालों के साथ बहुत परेशानी में रह रही थी, इसलिए मैं चाहती नहीं हूँ अपने घर वापस जाना। मेरे घर वाले मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, और मैं मानसिक रूप से एकदम ठीक हूँ, ये सब मेरे घर वाले झूठा ब्लेम लगा रहे हैं, क्योंकि वो एक पोजीशन में है तो वो झूठे कागजात इकट्ठा कर सकते हैं, मैं तो ऐसा कुछ कर नहीं सकती हूँ, तो जानबूझ के मुझे परेशान किया जा रहा है। सो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मैं अपने घर में जाना चाहती बस। वहीं भारती के पिता सुरेंद्र नाथ सिंह ने अपनी बेटी की तरफ से लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। सुरेंद्र नाथ के मुताबिक भारती डिप्रेशन में आकर ये सब कर रही है। तो मैंने देखा क्या, थोड़ा डिप्रेशन में है लड़की, और कुछ इलाज भी चल रहा था उसका, और 3 दिन पहले घर से चली गई थी, तो उसकी भी रिपोर्ट हमने की है। अब बैठेंगे, बात करेंगे, जो भी होगा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस पे आपको शक है, आपको क्या लगता है कौन कोई गाइड कर रहा है उसे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखो क्या है, आजकल के बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, दो रहते साथ में, स्वाभाविक है कि जो उनके साथ रहते हैं वो उनका ही सपोर्ट करेंगे। और नई नई तरीके, आजकल तो सब चीज़ जो है हाईटेक हो गया है, किसी ने बोल दिया होगा भैया कि वीडियो बना के डाल दिया होगा, और ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब लोग मिलकर पुलिस और सब संपर्क में हैं, जैसी मुलाकात होगी बात करेंगे।
पुणे में रह रही भारती को मां की तबीयत ज्यादा खराब होने की दुहाई देकर भोपाल बुलाया गया था, लेकिन ऐसा नहीं था। घर बुलाने के बहाने उस पर दोबारा से शादी करने का दबाव बनाया जाने लगा। इसके बाद भारती सिंह ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका लगाकर जान को खतरा बताते हुए पुलिस सुरक्षा की गुहार लगाई। याचिकाकर्ता भारती सिंह है, जो हमारे पूर्व विधायक श्री सुरेंद्रनाथ सिंह जी की बेटी हैं। 28 साल की हैं, बालिग हैं, मानसिक रूप से विकसित नहीं है, स्वस्थ हैं। परसों वो मेरे दफ्तर कार्यालय आई थी। परसों आके उन्होंने याचिका, सुबह मॉर्निंग में आई थी, वो भोपाल से आई थी और उन्होंने याचिका प्रस्तुत कराई है। याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश शासन के विरुद्ध लगाई है और अपने पिताजी के विरुद्ध लगाई है और पुलिस कमला नगर पुलिस थाने वालों के विरुद्ध लगाई है। उन्होंने अपनी जान की सुरक्षा की मांग की है और ये बताया है कि मुझे जबरदस्ती रूप से, मानसिक रूप से पागल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने पूर्व में भी 2018 में जब भाजपा का शासन था तब उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में और शिकायतें करी थी, तो पुलिस वाले ही उनको लेके गए और हजेला हॉस्पिटल में एडमिट करा के नींद के इंजेक्शन उन्हें लगा दिए गए। अभी उन्होंने बताया कि वो पुणे में पढ़ रही हैं और न्यूट्रिशन का कोर्स कर रही थी, तो वो फ़ोन आया उनके घर से कि जल्दी घर आ जाओ, माता की तबीयत बहुत ख़राब है। तो घर आई तो घर आके जब उनको पता चला ऐसी कोई माता की तबीयत ख़राब नहीं है और उनकी शादी कहीं जबरदस्ती करा रहे हैं। उनका प्रेम प्रसंग भी है किसी एक मुस्लिम समुदाय के लड़के वसीम नाम के व्यक्ति से, उनका प्रेम प्रसंग है। बट अभी वो पुणे में थी, शादी अभी वो करना नहीं चाह रही किसी के साथ। बट जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि शायद वो किसी मुस्लिम लड़के भाग गई हैं, सब झूठे हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, ये भी पूर्णतः गलत है। उनकी तीन तीन सब्जेक्टों में डिस्टिंक्शन है, मार्कशीट लगाई है हमने। वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और अपनी जान की सुरक्षा चाहती हैं और अपनी खुद की जिंदगी जीना चाहती हैं पुणे जाके। सुरेंद्र नाथ सिंह ने कुछ दिन पहले बेटी भारती की गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट भोपाल के कमला नगर थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद भारती ने वीडियो जारी कर अपने पिता पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। हाईकोर्ट की शरण में पहुंची भारती की याचिका पर सोमवार को पेशी होगी। 10 साल से न्याय की गुहार लगा रही भारती को इंसाफ दिलाना अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के हाथ में है। R9 TV के लिए भोपाल से विपिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट।